क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के लीडर्स और पॉलिटिशियंस पावर हासिल कैसे करते हैं? क्यों वो कभी कभी किसी कंट्री पे वॉर कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि काफी बार वो लोगों से झूठ बोलते रहते हैं और तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो लोग जानबूझ के लोगों को परेशान कर रहे हैं और लोगों को सप्रेस कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो लोग रैंडमली कुछ भी कर देते हैं और कोई पैटर्न नहीं है उनके बिहेवियर में। लेकिन शायद ये आपको सरप्राइज करेगा कि एक्चुअली उनके बिहेवियर में एक पैटर्न है जो हजारों साल से लोग फॉलो करते आ रहे हैं। एक क्लासिक बुक पावर के ऊपर लिखी निकोलो माकियावेली ने, और ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों हमारे नेता और पॉलिटिशियंस ऐसी चीजें करते हैं जो काफी बार हमें समझ में नहीं आती हैं। और ये जरूर याद रखिएगा कि ये वीडियो एडवाइस नहीं है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ज्यादातर लोगों के लिए ये रूल्स बहुत एक्सट्रीम है। लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप 99% लोगों से ज़्यादा पॉलिटिक्स को समझ जाएंगे और दुनिया असलियत में कैसी चलती है वो समझ जाएंगे। इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ वन कैन नॉट बी बोथ, ये कोट है निकोलो माकियावेली का। तो पहली चीज़ है एक्वायरिंग पावर, पावर कैसे हासिल करना है। माकियावेली बिलीव करते हैं कि लोग अनरिलायबल और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और उनके गोल्स कभी भी बदल जाते हैं। माकियावेली के हिसाब से जब आपको पावर हासिल करनी होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ डिपेंडेंट होना और फोर्स को यूज़ करना आना। माकियावेली कहते हैं कि सिर्फ पीसफुल रह के आप पावर नहीं रख सकते। उनके हिसाब से लोगों को कन्विंस करना तो आसान होता है, लेकिन उनको कन्विंस्ड रखना अपने ऊपर बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाए तो आपको फोर्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है। माकियावेली कहते हैं कि अगर आप किसी दूसरे इंसान से पावर छीन रहे तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है सारे ऑपोजिशन को ख़त्म कर देना। अब अगर आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप काफ़ी बार देखेंगे जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र इधर से उधर होते हैं और पुराने लोगों को निकाला जाता है और नए लोगों को लाया जाता है। माकियावेली कहते हैं कि प्रिंस को पावर में आते ही सारे थ्रेट्स को असेस करना चाहिए और फिर एक साथ उनको हटा देना चाहिए, ना कि बार बार धीरे धीरे करते। माकियावेली के हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है कि आप जनता को एक साथ बहुत सारी चोट पहुंचा दें एज अपोज टू धीरे धीरे छोटी छोटी चोट पहुंचाएं। अगर आप धीरे धीरे छोटी छोटी चोट पहुंचाते हैं लोगों को तो वो आपसे निराश हो जाएंगे और वो आपको पावर से हटाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लोगों को कंट्रोल करना है तो उनको रोज़ पनिश नहीं करना चाहिए, और जब आप उनको बेनिफिट देते हैं तो आपको धीरे धीरे देना चाहिए ताकि वो आपसे ऑलमोस्ट एडिक्टेड हो जाएं। रैंडमली उनको रिवॉर्ड देने से लोग हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, जिसकी वजह से वो लॉयल रहें। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि माकियावेली हमेशा कहते हैं कि स्ट्रैटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट है एज अपोज टू क्रूअल्टी। वो हमको एग्जाम्पल देते हैं अगोथिकल्स का, जो एक सिसिलियन आदमी था जिसने पावर आते ही सारे सेनेटर्स और अमीर लोगों को मार दिया था अपनी पावर हासिल करने के लिए। माकियावेली कहते हैं कि ये टैलेंटेड लोगों का काम नहीं है कि लोगों से झूठ बोलना, उनको डिसीव करना, उनको बिना किसी रहम के मार देना। ये चीज़ों से आपको पावर तो मिल जाती है लेकिन आपको ग्लोरी नहीं मिलती। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको वायलेंस करना है या कोई भी बुरे काम करने हैं तो वो एक साथ हो जाने चाहिए ताकि चोट एक साथ पहुंचे और फिर उसके बाद आपको पीस मेंटेन करना होता है। ह्यूमन नेचर अनरिलायबल है, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंस का नेचर रिलायबल होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जब ज़रूरत हो तो वो हार्श पनिशमेंट लोगों को दे पाए, लेकिन जब ज़रूरत हो तो उसको काइंड और जेनरस भी होना चाहिए। अगर प्रिंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो या बहुत ज़्यादा सीधा हो और फिर वो एग्रेसिव बनता है तो लोग बहुत निराश हो जाते हैं और उनकी लॉयल्टी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए किसी भी प्रिंस को अग्रेसिव रहने की हिम्मत रखनी चाहिए, लेकिन वायलेंट तभी होना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट चीज़ है मेंटेनिंग पावर। माकियावेली प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि उसको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मतलब उसको आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो कहते हैं किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ होती है कि वो कितना आत्मनिर्भर है, और कोई भी कंट्री अगर अपने आप को अपने रिसोर्सेज से सपोर्ट नहीं कर सकता है तो वो हमेशा वीक रहेगा। किसी भी कंट्री को हमेशा पावरफुल और करेजियस होना चाहिए, उसको हमेशा रेडी रहना चाहिए डिफेंस के लिए ताकि कभी भी वॉर हो तो वो लड़ पाए। उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि उसके एनिमीज उससे डरें, और अगर एक्चुअली में वॉर हो तो उसके पास इतने रिसोर्सेज, इतना खाना, इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने लोगों को जिंदा रख पाए। और माकियावेली प्रिंस को पावर मेंटेन करने के लिए कहते हैं कि उसके आसपास हमेशा उसके खुद के सोल्जर्स और आदमी होने चाहिए। उसको ऐसे लोग अपने आसपास नहीं रखने चाहिए जिनका मोटिवेशन सिर्फ पैसा होता है। जिन लोगों का मोटिवेशन पैसा होता है उनकी कोई लॉयल्टी नहीं होती है, और जो भी उनको और ज़्यादा पैसे देगा वो उनके साथ चले जाएंगे। कोई भी प्रिंस सिक्योर नहीं हो सकता है अनलेस उसके पास अपनी खुद की आर्मी हो और अपने खुद के लोग हों उसके खुद के डिफेंस के लिए जब भी ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है गोइंग टू वॉर।
माकियावेली कहते हैं कि किसी भी प्रिंस को हमेशा वॉर के बारे में सोचना चाहिए। अब ये आपको लगेगा कि पुराने जमाने की वॉर है, लेकिन आजकल की न्यूज देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वॉर हमेशा दुनिया की रियलिटी रहेगी। और इसीलिए माकियावेली एडवाइस करते हैं कि पावर तभी चली जाती है जब आप वॉर के बारे में नहीं सोचते या प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। अगर कोई प्रिंस आर्ट ऑफ वॉर नहीं जानता है, दोनों स्टडी में और एक्शन में, तो वो अपने लोगों की रिस्पेक्ट खो देता है। ऐसा कोई भी प्रिंस या कोई भी कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ अलायंस नहीं रख पाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि वो वीक है। किसी भी प्रिंस को हमेशा पुराने वॉर से सीखना चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ऐसे वॉर्स के बारे में जानना चाहिए जो सक्सेसफुल रहे, उसको अपने आप को एजुकेटेड रखना चाहिए और उसके आदमियों को हमेशा ड्रिल्स और प्रैक्टिस से रेडी रहना चाहिए। अगर कोई वॉर ना भी हो, रेडी रहना और वॉर के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है पावर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वर्च्यू एंड ह्यूमन नेचर, मतलब कि कैसे गुण किसी प्रिंस के होने चाहिए। माकियावेली कहते हैं कि किसी भी प्रिंस को पता होना चाहिए कि क्या अच्छे गुण सोसाइटी में माने जाते हैं, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि बुरे गुण कैसे हैं और उनको कैसे यूज़ करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा आइडियल दुनिया में नहीं जी सकते अगर आपको पावर हासिल करनी है और उसको मेंटेन करना है। अगर कोई भी प्रिंस हमेशा अच्छा बुरे के बारे में सोचता रहेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हर कोई हमेशा अच्छाई के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ईविल, बुराई दुनिया का एक सच है, और वो बुराई उस प्रिंस को खा जाएगी अगर वो उसके बारे में सोचेगा नहीं। माकियावेली कहते हैं कि किसी भी प्रिंस को बुरे काम करने की भी एबिलिटी रखनी चाहिए अगर उसकी ज़रूरत हो। एक प्रिंस को इतना समझदार और इतना चालाक होना चाहिए कि उसको पता चले कि अच्छे काम करके कब वो बर्बाद हो सकता है और बुरे काम करके कब वो सक्सेसफुल हो सकता है। और यहाँ पे माकियावेली कहते हैं कि एक प्रिंस को फियर चूज़ करना चाहिए ओवर लव। एक प्रिंस की जनता हमेशा कंट्रोल में ज़्यादा रहेगी अगर वो उससे डरते हैं। अगर कोई राजा जाना जाए कि वो बहुत दयालु है या बहुत अच्छा है, तो हमेशा सोसाइटी के अंदर केओस बढ़ जाता है, चोरियां, डकैती, मर्डर सब बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग प्रिंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हर प्रिंस को एक बैलेंस रखना होता है क्रूअल्टी में और मर्सी में, कब बुरा होना है और कब दयालु होना है। अब यहाँ पे माकियावेली हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, इज इट बेटर टू बी फियर्ड और बेटर टू बी लव्ड। इसका सिंपल जवाब माकियावेली देते हैं कि एक प्रिंस को दोनों चीज़ें चाहिए, प्यार भी चाहिए अपने लोगों से और डर भी चाहिए, क्योंकि लोगों को यूनिफाई करना, लोगों को अपने कंट्रोल में रखना दोनों एलिमेंट्स के बिना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किसी एक चीज़ की चॉइस हमें दी जाए तो हमें डर का इस्तेमाल करना चाहिए। लोग कभी ऐसे इंसान को निराश नहीं करना चाहते जिससे वो डरते हैं। अगर लोग आपसे प्यार करते हैं तो वो तब भी अपने फायदे के लिए आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर लोग आपसे डरते हैं तो वो आपकी पनिशमेंट से इतना डरेंगे कि वो आपको धोखा देने का नहीं सोचेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्रिंस से लोगों को डरना तो चाहिए, लेकिन लोगों को उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए किसी भी प्रिंस को अपने लोगों से चुराना नहीं चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, और जब उसको किसी को पनिश करना हो तो हमेशा रूल ऑफ लॉ और एक जस्टिफिकेशन के साथ पनिश करना चाहिए। तो हर प्रिंस को या पॉलिटिशियन या नेता को दोनों चीज़ें, दोनों एलिमेंट साथ में रखना चाहिए, डर और प्यार, तभी आप लोगों को इफेक्टिवली बैलेंस कर पाएंगे और उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट है रिलीजन पे। कोई भी प्रिंस जो रिलीजियस होता है उसको लोग पसंद करते हैं, लेकिन माकियावेली ये कहते हैं कि ज़्यादातर प्रिंस नाम के रिलीजियस होते हैं, लेकिन असली में वो चालाकी यूज़ करते हैं और लोगों को चकमा देने के लिए। माकियावेली कहते हैं कि हर प्रिंस को हाफ आदमी और हाफ जानवर होना पड़ता है और सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर चूज़ करना होता है। माकियावेली ये कहते हैं कि हमेशा फेथ रखना या रिलीजियस होना एक प्रिंस के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि वो अपने रिलीजन या फेथ की वजह से ऐसे काम नहीं कर पाएगा जो उसको करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ऐसा दिखे कि वो रिलीजियस है। तो बेसिकली माकियावेली कह रहे हैं कि वर्चुअस होना, बहुत अच्छे गुण होने वाला, बहुत रिलीजियस होना दिखना ज़्यादा ज़रूरी है एज अपोज टू होना। परसेप्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रियलिटी। ये आप काफ़ी देखेंगे कि पॉलिटिशियंस अपना परसेप्शन मैनेज करते हैं, ऐसी स्पीचेस देते हैं जिससे उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हाईलाइट हों, क्योंकि उनको पता है कि लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिनको दिखने में होता है कि उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। परसेप्शन किसी भी प्रिंस का होना चाहिए कि वो दयालु है, वो अच्छा है, वो रिलीजियस है, वो फेथफुल है, वो एक इंसान है, लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वो कभी भी बदल जाए सिचुएशन के हिसाब से। माकियावेली कहते हैं कि कभी कभी बुरे काम करना ज़रूरी होता है अपने कंट्री के ओवरऑल फ़ायदे के लिए।
माकियावेली किसी भी प्रिंस को पूरी तरीके से बुरा होने को नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे दिखें, आप अच्छे हों, और जहाँ तक पॉसिबल हो आप अच्छे काम करें। लेकिन हर प्रिंस को बुरे काम करना, लोगों को कंट्रोल में रखना आना चाहिए, वरना वो पावर नहीं मेंटेन कर पाएगा। अल्टीमेटली पावर के गेम में, पॉलिटिक्स के गेम में अच्छाई या बुराई नहीं होती है, क्योंकि जो लोग रूल्स तोड़ लेते हैं वो एक्चुअली आपके ऊपर एक एडवांटेज ले लेते हैं। तो जो लोग पावर का गेम खेलते हैं वो इसीलिए अपने मॉरल्स खो देते हैं, क्योंकि अगर वो अपने मॉरल्स के साथ चलें तो पावर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। होपफुली ये वीडियो देख के आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो पावर के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स आजकल के ज़माने में एप्लीकेबल नहीं है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं भी, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर मेरा 48 लॉज ऑफ पावर का वीडियो देख सकते हैं, इसमें और तरह के रूल्स बताएँ पावर के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।